हमारे हाथ में ये दोनों जो हाथ हैं इस पर नौ के नौ ग्रहों के कहीं ना कहीं चिन्ह बने हुए हैं। नौ के नौ ग्रह हम अपने हाथों के जरिए संतुलित कर सकते हैं। हमारे हाथों में ही हमारे शरीर के पूरे अंगों के कहीं ना कहीं पॉइंट्स बने हुए हैं जिन्हें हम एक्यूप्रेशर बोलते हैं। एक्यूप्रेशर के द्वारा भी हम अपनी रोग बीमारियों से अपने हाथों के पॉइंट दबाकर जिंदगी में अपने रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं हाथों पर हमारे शंख, चक्र और बहुत सारे मछली के ऐसे शुभ चिन्ह बने होते हैं जो हमें आगे अपने जीवन में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, साथ में भाग्य वृद्धि के लिए और धन आगमन के लिए ये हमारे चिन्ह कार्य करते हैं। यानी पामिस्ट्री, हस्तरेखा विज्ञान एक पूरा एक विज्ञान है। ज्योतिष की भांति ही हस्तरेखा, हाथों की रेखाओं को देखकर भी बताया जा सकता है आपका विवाह कब होगा, आपको सक्सेस कब मिलेगी, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, आपके कितने बच्चे होंगे, आपका भविष्य क्या रहेगा, इस समय आपकी आयु कितनी है, आयु कैसी रहेगी, कोई दुर्घटना, यानी सारी चीज़ें हम हाथों की रेखाओं के जरिए जान सकते हैं। हाथों के पॉइंट्स दबाकर अपनी बीमारियों से बाहर आ सकते हैं। इन हाथों के जरिए हम अपनी लक्ष्मी जी को मनाने का, यानी कि अपने लिए जीवन में जो भी हम चाहते हैं इन हाथों के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी मुद्राएं हैं जो हमारे हाथों के सातों चक्रों को हील करती हैं, साथ में कुबेर मुद्रा है, लक्ष्मी मुद्रा है, बहुत सारी मुद्राएं हैं जिनसे हमें लाभ मिलता है। ये हाथों का आज आपको एक ऐसा चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रही हूँ। कोई भी इच्छा मनोकामना जो आप वर्षों से चाहते हैं या कोई भी ऐसी समस्या जिसका आपको निदान नहीं मिल रहा है, इन हाथों पर क्या नंबर लिखना चाहिए जिससे वो आपकी इच्छा कामना पूरी हो जाए या उस समस्या से आप बाहर निकल आए। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी यशु दोस्त ऐश्वर्या अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। तो आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप यहाँ पर अपने हाथ और चेहरे के जरिए जान सकते हैं अपनी समस्याओं का समाधान। दोस्तों, मैं हर दिन आपको एक मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होता है इसलिए बेहद खास होता है। इसकी विशेषता यह है इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है। अगर परिवार के सभी सदस्य करने लगते हैं तो एक, आपके घर की ऑरा क्लीन होने लगती है, आपके ग्रह में मजबूती आने लगती है, आपका चंद्रमा अच्छा होने लगता है, आपको रोग बीमारियाँ भी आपसे दूर होने लगती हैं, घर का वातावरण भी सामंजस्यपूर्ण हो जाता है, घर में क्लेश खत्म होने लगता है। आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो अब कर लीजिए और इनका चमत्कारिक लाभ आपको मिलने लगेगा। उससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। इसे अभी कर लीजिए क्योंकि आप वीडियो देखते देखते भूल जाते हैं दोस्तों कि आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना है, तो अभी कीजिए क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। आपके पास चैनल सब्सक्राइब होगा, डेली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और वीडियो मिलेंगे आप देखेंगे और इनसे आप लाभ उठा पाएंगे। शेयर भी अधिक से अधिक लोगों को कर दीजिए जिससे आपका तो फायदा हो औरों का भी फायदा होना शुरू हो जाए। दोस्तों, हमारे हाथ, इन हाथों में सभी उंगलियों में यहाँ पर शंख भी बने होते हैं, चक्र भी बने होते हैं, मछलियाँ बनी होती हैं, यानी बहुत सारे ऐसे शुभ चिन्ह होते हैं जो देवी देवताओं के हाथों में होते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिनका जन्मांक बहुत मजबूत होता है उनके हाथों में ऐसे चिन्ह देखे जाते हैं, यानी कि जो राजाओं जैसा जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, ऐसे लोगों के हाथों में ये चिन्ह अवश्य होते हैं। यह बात हो रही है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपके जीवन में कोई भी समस्या है, उस समस्या से बाहर आने के लिए आप ये नंबर अपने हाथ पर लिखेंगे और ये जो मैं आपको विश पूरी करने वाला एक जो तरीका बताऊंगी इसे आप अपनाएंगे। आप कर्ज से परेशान हैं, आप बीमार बहुत अधिक रहते हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हो गया है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तारीख पे तारीख आ रही है, बाहर नहीं आ रहे, मनोबल आपका समाप्त हो गया, मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही है, धन आगमन नहीं हो रहा, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, जॉब नहीं मिल रही, यानी कहने का मतलब है आप कोई भी कामना के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए दोस्तों आपको एक रेड कलर का पेन चाहिए होगा, एक लाल कलर का आपको पेन लेना होगा
इस लाल कलर के पेन से ही आप ये प्रयोग कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो में इस प्रयोग को बताऊं उससे पहले अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर बताती हूँ। अगर आप इन्हें भी करने लगते हैं ना तो आपके शत प्रतिशत आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। 23 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार, आज का राहु काल है 10:46 से 12:25 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:57 से 12:49 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, इस पर 2 बूंद देसी घी रखें, ईष्ट को अर्पित कीजिए या गणेश जी को अर्पित करने के बाद घर के बाहर किसी भी पेड़ झाड़ी में छोड़ दीजिए। अपनी कामना बोलकर वो कामना आपकी पूरी होगी। जादुई अक्षर है रा, रमा वाला रा। इस रा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों अब मैं प्रयोग की बात करती हूँ, तो यहाँ आपको जो नंबर लिखना है वो किस तरह से लिखना है। यहाँ आपको लिखना है 6 नंबर। अभी मेरे पास दोस्तों रेड पेन नहीं है, मैं आपको ब्लैक कलर के पेन से लिख कर बताती हूँ। यहाँ आपको लिखना है 6 नंबर यानी 6 का अंक। ये शुक्र पर्वत है, यहाँ आपने 6 नंबर लिखा। यहाँ पर आपको 9 नंबर लिखना है, यहाँ आपने 9 नंबर लिखा और यहाँ आपने 3 नंबर लिखा। इस पर कोई गोला नहीं बनाना, इसी तरह से आपको लिख देना है। रेड कलर के पेन से लिख लीजिए, यहाँ 6 लिखा, यहाँ 9 लिखा, यहाँ 3 लिखा। यानी शुक्र मंगल और गुरु, ये 3 ऐसे शुभ ग्रह हैं आपकी कुंडली के जो आपकी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जीवन में कोई भी समस्या जो मैंने आपको बताई है, ये आप रात्रि के समय लिखिए और रात्रि में सोते समय जो आप किसी एक कामना के लिए जो भी आपकी कामना है उसे आपको 9 बार बोलना है। आपने इसको 9 बार बोल देना है। सुबह आप उठें और सो जाइए, सुबह आप उठेंगे अपनी हथेलियों के दर्शन करेंगे, रब करके चेहरे पर मलिए 3 बार। उसके बाद इस हथेली को देखते हुए अपनी कामना को आपको 3 बार बोल देना है। सुबह उठकर आपको 3 बार अपनी कामना बोलनी है और आप अपने लिए जो भी चाहते हैं अपने बिस्तर से उतर जाइए और अपने हाथों को आप धो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यही कामना अपने हाथ पर आप यहाँ पर उंगली से, अपनी अनामिका उंगली से, ये नंबर आपने रात में लिखे, सुबह आपने धो दिए, मिट गए, ठीक है। अब सुबह आपने यहाँ पर 6 नंबर अपनी उंगली से लिख दिया, अनामिका उंगली से 6 नंबर लिख दिया और दोपहर के समय आपने 6 बार अपनी वो मनोकामना बोल दी। इसके लिए कोई आसन की ज़रूरत नहीं है, कहीं लेटने उठने बैठने की ज़रूरत नहीं है। यानी जहाँ भी आप हैं, अपने ऑफिस में हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप बाइक पर हैं, ध्यान रखिए कि आपको दोपहर में 6 बार बोलना है, तो 6 बार अपनी ये कामना बोल दीजिए। ये आप 7 दिन लगातार, मैं तो कहूँगी कि अपनी कामनाओं को करने के लिए, ये पूर्ति के लिए आप हमेशा कर लिखते रहिए नंबर। ये नंबर आपको एनर्जी देते रहेंगे, आपकी जो भी कामनाएं, एक कामना पूरी हो जाए दूसरी के लिए कर लीजिए, दूसरी पूरी हो जाए तीसरी के लिए कर लीजिए, करते रहिए। अपने पति का प्यार चाहते हैं या पत्नी का प्यार चाहते हैं उसके लिए करिए, बच्चों का करियर सेट हो जाए, किसी की भी कामना के लिए आप इस प्रयोग को करते रहिए। 7 दिन के अंदर वो कामना आपकी 150% पूरी होगी। आजमा कर देखिएगा, क्योंकि जब हम अपनी कोई भी विश ब्रह्मांड को भेजते हैं, ब्रह्मांड उसको रिसीव करता है और हमारी कामना को पूरा करता है। आजमाइए और मुझे बताइए आपकी कौन सी मनोकामना इन प्रयोगों से पूरी हुई। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, 23 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 5 नंबर लिखेंगे यानी 5 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष व शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लेकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा जरूर। किसी नए विषय पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। किसी भी तरह की पूजन सामग्री जो मैं अक्सर कर अपने वीडियोज़ में बताती हूँ, आपको चाहिए तो इन्हीं नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। कल फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।